जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन बार्बर की जॉब प्रोफाइल के बारे में। बार्बर की जॉब कैसे होती है, ट्रेड टेस्ट में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, ड्यूटी कैसे होती है, सैलरी कितनी मिलती है, प्रमोशन कैसे होता है, फैमिली रखने के लिए मौका मिलता है या नहीं मिलता है, पोस्टिंग कहाँ कहाँ पे होती है, इस जैसे कई सारे सवालों के जवाब लेके इस वीडियो में आया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपके मन में जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेड टेस्ट में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बार्बर यानी नाई, ठीक है दोस्तों, नाई के ट्रेड टेस्ट में क्या सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले कटिंग आना चाहिए। पूछा जाएगा कि आपको कटिंग आता है या नहीं, कैंची कैसे पकड़ते हैं, ठीक है, आपको सामने कैंची रखा रहेगा और आपको बताया जाएगा कि कैंची पकड़ो और अभी कैसे बाल काटते हैं, वैसे मतलब ये करके दिखाओ, ठीक है, तो कंघी कैसे मारते हैं, ठीक है, और मसाज आती है या नहीं, मसाज कैसे करते हैं, कौन सा तेल मसाज के लिए यूज करते हैं, ठीक है, तो मसाज कैसे करेंगे तो ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगा, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी बात करते हैं ड्यूटी के बारे में, ठीक है दोस्तों, ड्यूटी कैसे होती है। तो दोस्तों, आपको ड्यूटी के लिए वर्दी भी, आपको वर्दी मिलेगा दोस्तों, ठीक है, जवानों के बाल काटना ये आपकी ड्यूटी होती है, ठीक है दोस्तों, बाल काटना, अगर कुछ किसी का शरीर अकड़ गया है या कुछ हो गया है, तो गर्दन ये हो गया है, तो आपको मालिश करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, मालिश करना, जवानों के बाल काटना, यही आपकी ड्यूटी होती है दोस्तों, ठीक है। सुबह जैसे दो परेड पीटी के हो गए, बाद में आपका जो शॉप होता है वहाँ पे रहना पड़ता है, ठीक है, उसका शॉप का टाइमिंग होता है दोस्तों, जैसे सुबह मतलब पीटी हो गया दो परेड, फिर 9 बजे से लेके 12 बजे तक, और फिर शाम को 3 बजे से लेके 6 बजे तक, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइमिंग होता है शॉप का, ठीक है। पीटी होने के बाद में आपके शॉप जो होता है वहाँ पे जाके आपको रहना पड़ता है, जो भी आएगा उसके बाल काटना, देखो मैंने जैसे बाल कटिंग किया है ऐसे, मतलब जो बाल कटिंग करना आपका काम होता है, ठीक है, जो शॉप पे जो आएगा उसके बाल कट, ठीक है, वही आपका काम होता है दोस्तों, ठीक है। अभी बात करते हैं कि प्रमोशन के बारे में। दोस्तों, डिपार्टमेंटली आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, आप डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम नहीं दे सकते दोस्तों। अगर आप बाहर से एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा दोस्तों, आपको एनओसी लेना पड़ेगा, ठीक है, एनओसी लेने के बाद में आप बाहर से एग्ज़ाम दे सकते हैं। एनओसी का मतलब होता है दोस्तों नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है, जो भी जहाँ पे भी आप पोस्टिंग है उस ऑफिस में जाके आपको एक एनओसी लेना पड़ेगा, ठीक है। एनओसी लेने के बाद में आप बाहर से फॉर्म भर सकते हैं, बाहर से फॉर्म भरने के बाद में आप हवलदार बन सकते हैं, सब इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं और असिस्टेंट कमांडेंट भी बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जो भी एग्ज़ाम आती है आप एग्ज़ाम दीजिएगा, अगर आप पास हो गए तो आप बन जाओगे, ठीक है, तो लेकिन अंदर से जो एग्ज़ाम आती है LDC की, उसमें आप सम्मिलित नहीं हो सकते, ठीक है दोस्तों, बाहर से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपके पास में एजुकेशन है तो आप बाहर से एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अभी बात करते हैं पोस्टिंग के बारे में, पोस्टिंग कहाँ कहाँ होगा। तो दोस्तों, पोस्टिंग दोस्तों ऑल इंडिया, जहाँ पे भी CRPF है वहाँ पे आपका पोस्टिंग होगा, ठीक है, ज़्यादातर ट्रेनिंग सेंटर और GC में ज़्यादा पोस्टिंग होता है, ठीक है दोस्तों, बाकी बटालियन में भी आपका पोस्टिंग होगा, ठीक है। अभी बात करते हैं कि सैलरी के बारे में। आप ड्यूटी के लिए आए हो घर से इतना दूर, तो सैलरी कितना मिलता है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों, SGD GD के जवान को जितनी सैलरी मिलती है वही सैलरी आपको मिलती है, ठीक है दोस्तों। छुट्टी कितनी मिलती है, तो दोस्तों छुट्टी आपको 75 दिन की छुट्टी मिलती है, एक साल में 75 दिन की छुट्टी मिलती है, उसमें आपको 15 दिन की CL और 60 दिन की EL दोनों मिलाकर आपको 75 दिन की छुट्टी मिलती है, ठीक है। अभी बात करते हैं कि कमांडो बन सकते हैं या नहीं। दोस्तों, आप कमांडो में जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद में भी आपका जो ट्रेड रहेगा उसी में वही आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जो होती है जो अच्छा रहेगा, ठीक है, जो सबसे बेस्ट है उसी को कमांडो में लिया जाता है, ठीक है, मतलब जो बहुत अच्छा है, जिसका बाल काटने का तरीका और जो सबसे बेस्ट है वही उसी को कमांडो में लेते हैं। आप कोबरा कमांडो में जा सकते हैं, NSG में जा सकते हैं, देखो दोस्तों वहाँ पे भी जवान है, उनके भी बाल काटने का काम आपको वहाँ पे जाने के बाद करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अभी बात करते हैं कि फैमिली
के फैमिली लाइफ के बारे में, फैमिली रखने के लिए मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों बिल्कुल मिलेगा आपको, अगर आपकी पोस्टिंग सिटी में है या कोई जीसी में हो गई या आपकी बटालियन कई सिटी में कार्य करती है, तो वहाँ पे जाने के बाद में आपको जैसे ट्रेनिंग सेंटर हो गया वहाँ पे आपको फैमिली रखने के लिए मौका मिलेगा दोस्तों। आपको फैमिली क्वार्टर्स भी मिलेगा, ठीक है, जो भी मतलब आपके ट्रेसमैन के लिए क्वार्टर्स होते हैं वो आपको मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। यह नहीं है कि आपको फैमिली रखने के लिए मौका नहीं मिलेगा दोस्तों, आपको फैमिली रखने के लिए मौका भी मिलेगा, ठीक है। ड्यूटी दोस्तों आपको राइफल के साथ में ड्यूटी लगा सकते हैं, राइफल के साथ में ड्यूटी लगा सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट होती है तो, ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट होती है तो आपको राइफल के साथ में ड्यूटी लगा सकते हैं। आपको वर्दी भी मिलेगा, सारी चीज़ सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी दोस्तों, हॉस्पिटल की फैसिलिटी फैसिलिटी मिलेगी, कैंटीन की फैसिलिटी मिलेगी, सारी फैसिलिटीज आपको मिलेगी दोस्तों, ठीक है। अगर आपके पास में अच्छा एजुकेशन है तो आप ट्रेड चेंज करके बाहर से एग्जाम देके आप जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट्स है अभी तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।